वो आप बीजेपी के लोगों से कहें, वो बहुत बात करते हैं टीवी पे, आपके चैनलों पे, उनसे कहिए, वो उसका जवाब देंगे। नहीं, वो तो कश्मीर को तो हमेशा टारगेट किया जाता है, उसमें कोई शक नहीं है। आज भी हमारे तमाम वर्करों की सिक्योरिटी भी ट्रैक की गई, या बाकी जो पार्टियों के लीडर हैं। ये आपका हक बनता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, राइट टू लिव, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज। लेकिन इसमें कुछ जो कमियां की गई, इसमें खामियां, जो पार्टियों को टारगेट बनाया गया, वो तो आया है, वो कोई डकी छुपी बात नहीं है, वो तो हर कोई जानता है, अच्छी तरह जानता है। नहीं, उसने ठीक कहा, उमर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, उसका कमेंट था, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं भी यही कहूँगा, मैं अपने लीडर को फॉलो करूँगा, जैसी करनी वैसी, जैसे उसने किया वैसे ही उसने वो फेस कर रहा है। सिचुएशन क्या है इस वक्त, इलेक्शन की बात करते हैं लोग, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं लोग, लैंड लॉज की बात करते हैं लोग, बहुत प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात नंबर फर्स्ट पे है अनएम्प्लॉयमेंट में, और यहाँ जो बाकी दूसरे कंसर्न हैं लोगों के, वो तो आया है, वो तो आप हमेशा हाईलाइट करते ही रहते हो। नहीं, उसने ठीक कहा, उमर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, उसका कमेंट था, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं भी यही कहूँगा, मैं अपने लीडर को फॉलो करूँगा, जैसी करनी वैसी, जैसे उसने किया वैसे ही उसने वो फेस कर रहा है। और क्या कह सकते हैं, क्या किया आप देखते हैं, जब वो यहाँ गवर्नर साहब, वो क्या क्या कह रहा था, उसने बहुत सी बातें क्या कहीं, आप उनको रिमाइंड करिए ना वो चीज़ें। उस वक्त भी हम कह रहे थे, हम उस वक्त भी वही बात कह रहे हैं, आज भी वही बात कह रहे हैं कि बात को समझो, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। इसीलिए उमर साहब का बड़ा ये कमेंट है, मैंने लाइक किया कि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ, किसानों के मुतालिक मैंने सच बोला, अग्निवीर के मुतालिक मैंने सच बोला। नहीं, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, अग्निवीर किसान वो तो है, वो तो एक नेशनल इशू है, वो उस पर बात करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर के बारे में कह रहा हूँ, उनका क्या एटीट्यूड रहा, जैसे उसने किया वैसा वो आप बर है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो वो आप बीजेपी के लोगों से कहें, वो बहुत बात करते हैं टीवी पे, आपके चैनलों पे, उनसे कहिए, वो उसका जवाब देंगे, वो क्या कहते हैं। तो सेम सिचुएशन नहीं लग रही है आपको दिल्ली या बाकी स्टेटों में, वो कश्मीर के लीडरों की सिक्योरिटी भी डाउनग्रेड की गई है? नहीं, वो तो कश्मीर को तो हमेशा टारगेट किया जाता है, उसमें कोई शक नहीं है। आज भी हमारे तमाम वर्करों की सिक्योरिटी भी ट्रैक की गई, या बाकी जो पार्टियों के लीडर हैं, क्योंकि आपको ये आपका हक बनता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, राइट टू लिव, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज। लेकिन इसमें कुछ जो कमियां की गई, इसमें खामियां, जो पार्टियों को टारगेट बनाया गया, वो तो आया है, वो कोई डकी छुपी बात नहीं है, वो तो हर कोई जानता है, अच्छी तरह जानता है। एलजी साहब कहते हैं, वो तो उसका अपना सोच है, हमारी अपनी सोच है। अभी कश्मीर की सिचुएशन को कहां पर देखते हैं आप? वो तो आपके सामने है, कश्मीर सिचुएशन क्या है इस वक्त, इलेक्शन की बात करते हैं लोग, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं लोग, लैंड लॉज की बात करते हैं लोग, बहुत प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात नंबर फर्स्ट पे है अनएम्प्लॉयमेंट में, और यहाँ जो बाकी दूसरे कंसर्न हैं लोगों के, वो तो आया है, वो तो आप हमेशा हाईलाइट करते ही रहते हो।